बारिश का लंबे समय से इंतजार कर रहे सिटी ब्यूटीफुल के लोगों ने आज राहत भरी सांस ली है। ट्राई सिटी में आज सुबह से ही तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। वहीं चंडीगढ़ के जाने माने ज्योतिष मदन गुप्ता का कहना है कि मौसम विभाग की ओर से जून माह के अंतिम सप्ताह में मानसून के दस्तक देने की भविष्यवाणी की गई थी, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुई। ज्योतिष का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि वर्षा इस बार 27 जुलाई को होगी, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में मौसम और वर्षा की भविष्यवाणी करने के स्ट्रिक नियम हैं, जिनके आधार पर फोरकास्ट की जा सकती है। और क्या कहना है ज्योतिष मदन गुप्ता सपाटू का, आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मदन गुप्ता सपाटू चंडीगढ़ से। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन वो तकरीबन गलत हो जाती है। और यहाँ तक के कहा जाता है कि आज बारिश होगी तो बारिश नहीं होती, और जब कहते हैं कि बारिश नहीं होगी तो बारिश हो जाती है। महाराष्ट्र में तो किसानों ने FIR दर्ज करा दी मौसम विभाग के खिलाफ कि उन्होंने गलत भविष्यवाणी करी और उनकी सारी फसल की जो योजना थी वो गलत हो गई। आज हमने भविष्यवाणी की थी पहले कि चंडीगढ़ में मौसम विभाग एक महीने से कह रहा है कि आज झमाझम बारिश होगी, आज झमाझम बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। आज 27 तारीख को बारिश हुई है, जिसकी भविष्यवाणी हमने एक रेडियो पर 4 दिन पहले की थी। और यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि जो भविष्यवाणी की जाती है एस्ट्रोलॉजी में, उसका एक साइंटिफिक बेस होता है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, उसका एक बेस है। उसमें कहा गया है, एक छोटा सा दोहा है कि आगे मंगल पीछे भान, वर्षा होए ओस समान। यानी मंगल आकाश में और सन, इनकी डिग्री अगर एक ही होगी तो बारिश जो है वो ओस समान होगी, यानी नहीं होगी। तो चंडीगढ़ का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से 27 तारीख यानी कि आज मंगल और सूर्य की जो डिग्री है वो बराबर हो गई, और जैसे ही बराबर हुई बारिश हो गई। और ये अब फासला मंगल का और सूर्य का बढ़ता जाएगा, और 31 तारीख के बाद ये काफ़ी इनकी जो दूरी है बढ़ती जाएगी, और बारिश जो झमाझम बारिश होगी या थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी, जैसे देश के अन्य भागों में हो रही है, वो तकरीबन 30 तारीख से लेकर 7 अगस्त के बीच होगी। तो ये कैलकुलेशन हमने की है और उसी हिसाब से वर्षा उसी दिन हुई है जिस दिन ये वाला योग बनता है। अब होता क्या है कि अखबार या टीवी ये सब मौसम विभाग पर ही डिपेंड करते हैं, उन्हीं की भविष्यवाणी देते हैं, वो चाहे गलत निकले या ठीक निकले। और हिंदुस्तान के ज्योतिष पर, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो 5000 साल से चली आ रही है, जिसकी भविष्यवाणी बहुत कम गलत होती है, उस पर विश्वास नहीं करते। इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर कहीं गलत हो सकता है, लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो कहीं भी गलत नहीं है। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी हम करते रहे हैं। जैसे पंजाब के CM कौन बनेंगे, अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए थे, हमने 1 जनवरी को बता दिया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह CM बनेंगे। 2013 में हमने कहा था कि जो PM बनेंगे वो मोदी जी बनेंगे। इस तरह की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हम करते रहे हैं, लेकिन मीडिया इस पर विश्वास नहीं करता, खासकर प्रिंट मीडिया नहीं करता। और मज़े की बात यह है कि ऐसा कोई न्यूज़पेपर है नहीं जिसमें राशिफल ना छपता हो, क्वेश्चन आंसर ना छपते हों। पिछले कितने ही सालों से मेरे बड़े बड़े न्यूज़पेपर में राशिफल छपते हैं, भविष्यवाणियाँ छपती हैं, लेकिन सरकारी तौर पर ऐसा कोई विभाग नहीं बनाया गया जहां पर एस्ट्रोलॉजर्स की कोई मदद ली जाए। और यहां तक कि एस्ट्रोलॉजी को अभी तक रिकॉग्निशन सरकार ने पूरी तरह से नहीं दी है। तो यहां पर मेरा एक अनुरोध है सरकार से कि मौसम विभाग के साथ साथ जो प्रतिष्ठित, जो एस्टेब्लिश्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनकी कोई से है या जो जिनकी क्वालिफिकेशन है, उनको मिलकर ऐसा कोई यूनिट बनाना चाहिए जो कोऑर्डिनेट कर सके कि मौसम विभाग अगर कुछ कह रहा है तो उसको वेरीफाई कर सके कि भाईजान ऐसा ग्रह नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं।
और आप बाद में बहाना लगाएंगे कि ग्रीनरी ख़त्म हो गई, मानसून रूठ गया और ये हवा का दबाव इधर से उधर हो गया। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में फिक्स्ड है, एस्ट्रोलॉजी तो बताती है कि कौन सी डेट को बारिश होगी और नहीं होगी और कहाँ सूखा पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। तो जो भी भविष्यवाणी की जाती है उसके पीछे एक आधार होता है। यहाँ पर किसी दिव्य शक्ति से एस्ट्रोलॉजी नहीं चलती, एस्ट्रोलॉजी इज ए कैलकुलेशन जस्ट लाइक साइंस। ये बिल्कुल साइंस है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है और ये उसी के आधार पर एस्ट्रोलॉजी में भविष्यवाणी फोरकास्ट की जाती है।